थोड़ा सा सरप्राइजिंग मोमेंट ये है कि हम लोग निकल रहे कहीं बाहर, क्लाउड्स देख रहे हो आप, एक नंबर सीन आ रहा है इधर से। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी से हम लोग ये वाले रूम में रहेंगे। ये मेरा यही रूम था एक्चुअली मैं पहले से ही, बट बहन आए थे तो उनको ये वाला रूम स्पॉन्सर कर दिया था। हम और दूसरे वाली डॉर्मेट्री में रहते थे। और फिर मेरा फाइनली ये देखो टोपी वोपी पहन के कौन खड़ा है, धवल भाई। अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अभी मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि एक चैनल वालों का इंटरव्यू है। तो अभी पूरा वो ऊपर सीन वीन ले रहे तो मैं ऊपर ही जाऊंगा। और क्या बोल रहा था, हाँ, तो वो वाला रूम पहले मैं उधर ही रहता था बट बहन को दे दिया था, इसलिए हमको दूसरे रूम में रहना पड़ता। बट फाइनली एक महीने के बाद मेरे को मेरा रूम वापस मिला। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है। डबल भाई मेरे को एक कैप पहना रहा है, बट मेरा माथा इतना बड़ा है ना, कोई भी कैप मेरे को छोटा ही पड़ता है। मेरे लिए अलग स्पेशल कैप बनवानी पड़ती है। और हमारे महेश भाई जिनकी गाड़ी लेके हम कल गए थे अहमदाबाद, तो थैंक यू महेश भाई, लिख दो सब कमेंट में। और उस साइड चल रहा है पूरा इंटरव्यू का सेशन। और अभी देखते आगे क्या होता है, क्या करना है महेश भाई आज, साइड पे जाने का? साइड पे आपका तो सेम है, साइड पे ही जाने का काम है, तो बोल देना मैं जाऊँगा। अरे नहीं, पक्का पक्का भाई, देखो क्या क्या करना पड़ता है। इधर सब फोटोग्राफी और वो सब चालू है। तो શું કહેશો પ્રતિક ભાઈ તમે આજે આજના આ સેશન વિશે? લાવો કેમેરો, લાવો, મસ્ત ફોટો પડે તો ચડી જાઓ ભાઈ। પ્રતિક ભાઈ પેલા પેલા પિલર પર ચડી જાઓ, પેલા પિલર પર। ઓર ધર્મેન્દ્ર સિંહને બહુત હી અચ્છા ઇન્ટરવ્યુ લે લિયા, તો મેં ગયા થા ચાવી લેને નીચે ઉપર રૂમ મે, ઓર સબ ઇન્ટરવ્યુ ખતમ હો ગયા એકદમ મસ્ત। ટીવી 9 ગુજરાતી પે આયેગા, વો કબ આયેગા વો મેરે કો પતા નહીં। અબ આપ મેરે કો ઇન્સ્ટાગ્રામ મે ફોલો કર દીજે, પ્રતિક આહિર, वहाँ पर मेरी सब अपडेट आती रहेंगी। और मैंने थोड़ा बहुत फोटोग्राफी भी किया है, फोटोशूट किया है, फोटो भी अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, तो जाइए। नो जॉय, नो। ओ धर्मेंद्र सिंह नए है ना शेल्टर में, इसलिए उनके पीछे भोगता है। हाँ, तो ऐसा बोला था कि बहुत अच्छा फोटोशूट हो गया हमारे लोगों का, तो फोटोशूट देखने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, प्रतीक अंडरस्कोर आहिर, वहाँ पर सब मेरी अपडेट मिलती रहेगी आपको। तो जाइए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके आइए। महेश भाई तो जा रहे अपनी गाड़ी लेके, और मैं हमारी वाली एक्सयूवी अंदर रख रहा हूँ पार्किंग में, क्योंकि बाहर रास्ते पे खड़ी थी। अभी देखो अनिल का कार, वो सब गेट अरेंज कर रहे हैं। मस्त तो सर्विस होके आ गई है अपनी गाड़ी, बट बारिश वारिश की वजह से थोड़ा बहुत कादव कीचड़ लग भी गया है, बट मस्त एक नंबर। अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, पहले बहुत गंदी थी अंदर से, तो हम लोग साफ नहीं कर रहे थे। जय श्री कृष्णा, सब लोग बैठे। अभी 11:11 आज मैं किचन में गया ही नहीं, क्या बना हुआ आप लोगों को बताया ही नहीं, तो चलो अभी किचन में जाता हूँ। और जय नमस्ते, नमस्ते। आज का मेनू रोटी और देसी चना। देसी चना और रोटी, वाह, हेल्दी आहार, हेल्दी खुराक, देसी चना और रोटी, और छाछ वाछ होगी, सब मज़ा आएगा खाने में सबको। धवल भाई ने चाय पिलाई थी, मस्त तो एक नंबर। देव भाई ने खेला, देव भाई तो बैग पैक करके नीचे मिले हैं मेरे को। अभी थोड़ा सा सरप्राइजिंग मोमेंट ये है कि हम लोग निकल रहे कहीं बाहर। अब वो कहाँ निकल रहे हो आपको आगे देखना पड़ेगा। अचानक से प्लान बना, मतलब प्लान था बट एग्जीक्यूट अभी अचानक से हुआ है कि हमको जाना है। सब ये लोग पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे देखना पड़ेगा। मैं भी थोड़ा पैकिंग करके आपको बाद में मिलता हूँ, चलो। अभी ये इतना सारा सामान है, ये सब इसको पता है, ये वाले बैग में पैक करना है, इसमें पैक करने का एक अलग ही टास्क है मेरे लिए आज के दिन। अब मैं देखता हूँ, धीरे धीरे अरेंज करके पैक करना पड़ेगा, वरना जो इस्त्री किया हुआ है वो बिगड़ जाएगा, फिर पहनने का मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने अभी सोचा कि ये वाली बैग को नहीं ले जाते हैं। जब मेरे पास एक ट्रॉली बैग पड़ी थी 2 साल पहले शायद मैंने ली थी, तब से ऐसी ही पड़ी है, तो सोचा इस बार इसका उपयोग करते हैं। और इस क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है ना कि वो में उसमें मज़ा नहीं आएगा, तो इसमें डालते हो। और सामान देख के आपको पता लग जाए कि हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, वो कितने दिनों के लिए जा रहे हो तो हमको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। काम आ जाए तो कल भी वापस आ जाएंगे, नहीं आएगा तो एक महीने बाद भी आएंगे। तब इसको अंदर पैक करके मिलता हूँ। फाइनली पैकअप हो गया है, फिर भी मेरे को ये 4-5 टी शर्ट और ये सब इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें भी जगह नहीं रही है। ऑलमोस्ट 7-8 शर्ट और टी शर्ट लिए और 5-6 जैसे जीन्स लिए, क्योंकि जीन्स तो चलता है ना, एक
जीन्स पे दो तीन शर्ट टी शर्ट निकल जाता है, और ये एक जोड़ी ये पहनी है तो अपना 15 दिन का काम शायद हो जाएगा। पता नहीं कितने दिन का प्लान है रुकने का, बट वो तो अब उधर जाएंगे बाद में पता चलेगा। तो बस इसको अब रखते हैं और जाते नीचे। नीचे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, ऊपर मैंने पैकिंग की ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। उसका पूरा वीडियो आपको अगर देखना है बर्थडे सेलिब्रेशन वाला तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है पोपट भाई आहिर और प्रतीक आहिर, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। हमारे डेली लाइफ एक्टिविटी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, वो सब उधर जाए मिल जाएगा। तो आप जाइए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। आज मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ व्लॉग में। और नीचे मस्त अपना सेलिब्रेशन चल रहा है, सबका केक वेक खा रहे हैं सब मस्त। और मेरा ऑलमोस्ट पैकिंग ख़त्म हो गया, और ये वाली फ्रेम आपने शायद देखी हो तो मैं विजन अप वाला एक ब्लॉग था उसमें मैंने ये वाली फ्रेम करवाने के डाले थे। एक्चुअली मैं 2 ग्लासेस डाले थे मैंने, ये वाले स्पेक्स और ये वाले इसमें, मतलब ये फ्रेम मेरे पास थी इसका। एक्चुअली मैं ये वाली फ्रेम मेरे पास थी इसका, जो ग्लासेस है ना वही सिर्फ चेंज करना था, वो हो गया और एकदम नई फ्रेम बन के आप देखे मस्त लग रही है। और आजकल ट्रेंड चल रहा है ट्रांसपेरेंट फ्रेम का, तो अच्छी लग रही है तो मैंने बोला हम भी करवा लेते हैं। एक दूसरी वाली भी है, वो उसको रिप्लेस कराने के लिए भेजा है, वो भी आगे तो वो भी दिखाऊंगा। मस्त पैकिंग हो गया, मेरे 2 बैग हुए, ये लैपटॉप और इसमें मेरा सब सामान आ गया, ये 1 बैग और आएगा, ये और 3, मतलब टोटल 5 और 6 बैग जाएंगे हमारे साथ। और थोड़ा बहुत और भी है बट उसको तो ऐसे ही पड़ा रहेगा गाड़ी में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा इस बार मेरे को उठा के लेके नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप ही चलती रहेगी ये वाली ट्रॉली। और बाकी का सामान तो मैंने तामझाम यहाँ पर ही पहन के रखा है, और कैप वैप पहन के एकदम लग रहा हूँ ना आपको कि इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ ऐसा, बट कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ, नेशनल भी नहीं है, ये है डिस्ट्रिक्ट ट्रिप। डिस्ट्रिक्ट हेलो बिस्किट लाइक मना नहीं आप खाई जाओ ना, बाय बाय कह दे बाय बाय। तो ये होता है बच्चों का प्रेम। और इधर सब खाना चालू हो गया ऐसा, क्या बात है क्या बात है। बस ये हो गया मस्त, अंदर अरेंजमेंट कर दिया है सबका, सब जो है वो इधर आएगा। और अच्छा ये सब तो निकालना ही भूल गया था, ये जो हाँ हाँ ये सब जो चेंज हुआ था ना कल गाड़ी में उसका सामान है, इसको रखवा दो भैया। कोई बात नहीं, नैपकिन से ही काम चलेगा। चलो बाय बाय, अरे दिख नहीं रहे हो आप, बाय बाय। अभी निकल गई हमारी सवारी भावनगर के लिए, मैंने बोला था ना आगे बोलूंगा आपको व्लॉग में, तब हम जा रहे हैं भावनगर। और आज भी आपको वटामन चौकड़ी जरूर दिखाऊंगा जो हमेशा आप मेरे व्लॉग में देखते हो। अभी शेल्टर से निकल के उसको बज गए 2:30 और आगे देखिए अब 12:30 से शायद ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का रास्ता है, तो शाम के 4 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे भावनगर। हमने कनेक्ट कर लिया है तारापुर वाला हाईवे, तारापुर वटामन, और वटामन से लेफ्ट सीधा भावनगर। और गाड़ी रिफिल होने के लिए रख दिया है, और जैसे ही डीजल भर जाएगा हम लोग निकल जाएंगे भावनगर के लिए। जन्मदिवस वटामन चौकड़ी क्या है भाई, ये वटामन चौकड़ी, ये मेरे हर 10वें व्लॉग में, शायद पहले तो हर 3रे व्लॉग में आता था, बट बीच में अच्छा खासा गैप आ गया था ये चौकड़ी को आए हुए, मतलब ये सर्कल को आए हुए। तो आज वापस हम वटामन को क्रॉस कर रहे हैं, और ये पूरा सिंगल पट्टी जाता है भावनगर के लिए, जहाँ जहाँ हमको जाना है भावनगर। और अभी वटामन क्रॉस करते करते बच गए 2:00 PM। अभी देव भाई को थोड़ा बहुत भूख लगा है, मेरे को पानी की प्यास भी लगी है, तो अभी रुकेंगे तो अभी गाड़ी रोकेंगे और पानी वानी की बोतल लेंगे और आगे देखेंगे। चलो क्लाउड्स देख रहे हो आप, एक नंबर सीन आ रहा है इधर से। ये पूरा वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता, अमेरिका में जैसे रोड पे ऊपर क्लाउड्स होते हैं वैसा सेम सीन है। इतना ब्राइट डे आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, जितना है ब्राइट लाइट्स एकदम मस्त है, एकदम नेचुरल। ये वाले क्लाउड्स तो ऐसा ही लग रहे हैं, तो हम कभी कहाँ USA में घूम रहे हैं, बट वहाँ पर भी घूमेंगे आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा, तो तब तक ये क्लाउड्स एंजॉय कीजिए।
अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है। तो अभी तो दोपहर के बज गए थे 3 और बाहर खाने का प्लान बन रहा था, बट बाहर इसलिए नहीं खाना खाया क्योंकि अभी हम बाहर खाना खाते तो पूरा लंच का जो मूड था वो चला जाता, मतलब कुछ ठीक से नहीं खाना होता। तो अभी भावनगर पहुंचने में ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर जितना बाकी है, तो सोचा बहन के घर पे जाके खा लेंगे, तब तक ये परचूरन सब ये बड़े भाई लेके आए हैं बालाजी का, तो तब तक उससे ही थोड़ा बहुत काम चला लेते क्योंकि भूख बहुत लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, एक बार चाय पी थी वही, उससे ही काम चला रहा था। और पता नहीं क्यों आज मेरे को कब से ऐसा ही लग रहा है कि मैं अमेरिका में कहीं पर घूम रहा हूँ, पर अब से तो रास्ता एक नंबर बन रहा है ये वाला नेशनल हाईवे 48 शायद इसको बोलते हैं, सोमनाथ टू वटामन डायरेक्ट, नहीं 62 टू सोमनाथ डायरेक्ट जाता है, एक नंबर 6 लेन हाईवे है। और मज़ा आता है यहाँ पर गाड़ी चलाना और बैठने में, और ये सब सारे पैचिस है, ये सॉल्ट पैचिस है जो अपने मीठू गुजराती में जाना क्या है नमक, उसका भावनगर जाते बहुत सारे पैचिस आते हैं जहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है बहुत ही अच्छी मात्रा में। नारी चौकड़ी से लेफ्ट लेकर हम लोग हो गए भावनगर में एंटर, अब हम जाएंगे सीधा बहन के घर, शायद उधर ही खाने का प्लानिंग है हमारा, पर देखते हैं अगर कुछ रास्ते में अच्छा दिखता है। नारी चौकड़ी चली गई कब की, वही गई तो सीधा जाऊंगा। नारी चौकड़ी से लेफ्ट लिया हम लोगों ने, पहुंच गए हम हमारी बहन के घर। और पता नहीं यहाँ भावनगर में इतनी धूप क्यों है, बट बहुत धूप है, 5 दिन का बारिश का आगाही था बट धूप बहुत गिर रही है। आपको कैसा लग रहा है घर पे आ गए वापस, है अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा बोल दो ना, आप घूमने नहीं मिलेगा कहीं पे तो अच्छा ही लगेगा। हाँ वो तो अब मेरे को ही पता है ना कितना अच्छा लगेगा। खाने का प्लान तो कैंसिल रखा क्योंकि 4:30 बज गए थे, तो हमने सोचा मैगी खा लेते, 2 मिनट में मैगी पेट आपका हो जाएगा मस्त, और अभी हम मैगी खाने के बाद ही मिलते हैं। मस्त मैगी वैगी खा के अभी हम लोग जा रहे हैं देव भाई की स्कूल पे, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो निपटाने के लिए। और धूप तो अभी ऐसी गिर रही है ना जैसे समर चालो भाई, बहुत गंदी वाली धूप गिर रही है, कहाँ बारिश आ रही थी कहाँ धूप आ रही है सारी बहुत। और एक्टिवा में सफ़र करने का भी मज़ा अलग होता है। ये ज्ञान मंदिर विद्यापीठ, जो लोग अगर गुजरात और भावनगर साइड से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ज्ञान मंदिर का नाम कितना बड़ा है, खास करके 11th-12th साइंस के लिए भावनगर के आसपास बहुत सारे गांव में से बच्चे इधर पढ़ने आते हैं, इधर का 11th-12th बहुत ही अच्छा है एक ज्ञान मंदिर जो नीट में और उसमें सब बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है। और इसका सामने पूरा हॉस्टल वाला सीन है और ये साइड पूरा स्कूल कैंपस है। मैं अभी गया तो अंदर तो मेरे को फ़ोन ले जाने नहीं दिया, वरना मैं अंदर का भी शूटिंग आप लोगों को दिखा था। हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो तो हो गया है, तो अभी हम लोग वापस घर पे जा रहे हैं। ये लोग घर पे भी शांति से नहीं बैठते, आपको सच में नहीं लगता है, बट ये पूरे पूरे दिन बाद ऐसे पूरे दिन झगड़ते रहते हैं। देखो इधर भी चालू है इन लोगों का, ये पिछले 1.5 घंटे से चालू है। मैंने सोचा अब मेरे को लास्ट में कैमरा ही चालू करना पड़ेगा तब जाके वो बाहर गए झगड़ते। उनका चालू है सुबह से लेके देव हमारे साथ है तब से इन लोगों का झगड़ने का चालू ही है। और अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि ड्राइविंग करके आए थे और पिछले 3-4 दिन से ठीक से आराम नहीं किया था। देखो वापिस आ गए हैं देव। हेलो क्या हुआ देव भाई,